पन्ना जिले के सुनवानी गांव में संदिग्ध मौत के रहस्य से सुनवानी पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। इस अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 11 नवंबर को ग्राम सुनवानी के कुरुड़ा वाले हार के खेत में सियाराम कोरी मृत अवस्था में मिला था, जिसकी रिपोर्ट उसके भाई राजेंद्र कोरी ने की थी, जिस पर मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया गया था। मामला संदिग्ध और पेचीदा था, जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी और SDOP पवन रक्षपाल सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली। पुलिस की पूछताछ में मृतक के चचेरे भाई संतोष कोरी, पिता सुमेरा कोरी को संदेह के आधार पर पकड़ा गया। उसका सियाराम से आपसी विवाद और सिंचाई के पैसे को लेकर झगड़ा हुआ था। उसने 10 नवंबर की रात में सियाराम को गला दबाकर पत्थर से वार कर जान से मारकर खेत में फेंक दिया था। उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। कार्यवाही में थाना प्रभारी SI कृष्ण सिंह और मावई थाना प्रभारी सलेहा पांडे, साइबर सेल के संपूर्ण स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। पन्ना से चरणजीत बंजारा की रिपोर्ट। 11 नवंबर 20 को ये फरियादी राजेंद्र कोरी ने रिपोर्ट की थी कि उसका भाई सियाराम कोरी रोड के किनारे जो बारी लगी है उसके किनारे पड़ा हुआ है, कांटों की बारी। इस सूचना पर जो है थाना प्रभारी सुनवानी श्री कृष्ण मावई और इन्होंने अपनी टीम के साथ काफ़ी मेहनत की। उसी दिन से हम लोग भी गए वहाँ स्पॉट पर, देखा, निर्देश दिए, लेकिन पूरी मेहनत जो है कृष्ण सिंह मावई ने की और इनके स्टाफ ने की, बहुत मेहनत की। और लास्ट में इन्होंने ये निकाला कि उसी का जो है कजन चचेरा भाई संतोष कोरी, पिता सुमेरा कोरी, जो काफ़ी एविडेंस इकट्ठा करके पाया कि उसने स्वीकार भी किया कि उसने सिंचाई के पैसों के लेन देन पैसे और बुराई पहले की बुराई पैसे उसने अपने भाई को, मन चचेरे भाई को पहले गला दबाया। गला दबाने के बाद जब वो नहीं मरा तो फिर पत्थर पटक दिया उसके सिर पे। उसको गिरफ्तार किया है और बेहतरीन काम जो है पुलिस द्वारा किया गया है। सर, ये खुलासा कितने दिनों में कर दिए पुलिस? इनने करीब 15 दिन इन्हें लग गए हैं, 15 दिन तक लगातार मेहनत की। इसमें लगभग इन्होंने 150 से 150 लोगों से अलग अलग पूछताछ की लगातार, उसी दिन से रेगुलर जो है उसी में लगे रहे और एक शानदार सफलता पाई है। अब इसमें सब लिंक वगैरह मिला के और निश्चित तौर पे हम लोगों का प्रयास रहेगा कि इस मामले में हम इनको सजा करवाएं। पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूरी टीम को, इनकी टीम ने जिसने इनको योगदान दिया श्री कृष्ण मावई शहर, सभी को नगद इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।